भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने इंकशाफ किया है कि 10 वर्षों में पहली मर्तबा उन्होंने एक माप पैड को हाथ नहीं लगाया। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कोहली ने अपने आउट ऑफ फॉर्म होने और ज़हनी दबाव बढ़ने के मुतालिक बात की। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा कि खुद को बता रहा हूँ कि मुझे में खेल की शिद्दत है, लेकिन मेरी बॉडी कहती थी कि अभी वक्फा लो। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ गलत बयानी कर रहा हूँ। विराट कोहली ने कहा कि मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि मुझे ब्रेक लेकर खेल से दस्तकदार होना है। मैं ज़हनी तौर पर मजबूत लगता हूँ और मजबूत हूँ भी, लेकिन इसकी एक हद होती है। आपको इस हद को पहचानना होता है, वरना ये आपके लिए मुसरे सेहत होता है। उन्होंने कहा कि मुझे हालिया दिनों ने बहुत कुछ सिखाया है। मुझे ये बताते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मैं ज़हनी तौर पर दबाव में था। विराट कोहली ने कहा कि एक आम सी बात है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं बोलते क्योंकि हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हम ऐसा नज़र नहीं आना चाहते कि हमारे दिमाग तौर पर डाउन है। यकीन करें, अपनी मजबूती के बारे में गलत बयानी करना कमज़ोरी तस्लीम करने से ज़्यादा बुरी चीज़ है। भारतीय कप्तान ने कहा कि आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से मुझे दौरा वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे में शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि एशिया कप के लिए विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल इतवार दुबई में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।